नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक स्कैफोल्ड बोर्ड एंड प्लैंक, ये जो स्कैफोल्ड बोर्ड और स्कैफोल्ड प्लैंक है, ये जो टॉपिक है इसके अंदर में क्या क्या पॉइंट कवर करने वाले हैं वो पहले हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। एक तो उसका यूज देखेंगे स्कैफोल्ड बोर्ड और प्लैंक का, दूसरा कौन सा स्टैंडर्ड के हिसाब से होना चाहिए, उसके ऊपर कोड कौन सा होता है, उसके बाद वो जो मटेरियल है कौन सा मटेरियल से बनता है, उसके बाद टाइप ऑफ बोर्ड और डायमेंशन, मतलब कितना टाइप का जो बोर्ड रहता है या प्लैंक रहता है, और वो उसका जो डायमेंशन है मतलब कितना लेंथ है, कितना विड्थ है उसका, कितना एमएम का जो थिकनेस है या उसका जो हाइट है वो कितना होना चाहिए, और उसके बाद आइडेंटिफिकेशन, मतलब उसके ऊपर में कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे वो स्टैंडर्ड के हिसाब से बना है कि नहीं बना है। तो आज हम लोग चालू करते हैं। सबसे पहले ये जो स्कैफोल्डिंग का जो बोर्ड है या जो प्लैंक उसको बोलते हैं, उसका जो यूज़ है जहाँ पर हम लोग स्कैफोल्डिंग का जो प्लेटफॉर्म बनाते हैं तो उसको कवर करने के लिए, या जहाँ पे आदमी जाके काम करेंगे हमारे, या जहाँ पर हम लोगों को मटेरियल रखना है तो कोई मटेरियल नहीं गिरना चाहिए बोल के उसको फुल्ली कवर किया जाता है, तो वो उस जगह पे यूज़ करते हैं। दूसरा और एक जगह है जैसे कि टोगार्ड है, टोगार्ड के लिए बहुत सारा कंपनी नया टोगार्ड खरीद के नहीं लाती है, तो ये जो बोर्ड है या प्लैंक है उसी का ही यूज़ टोगार्ड में भी बहुत सारा कंपनी में किया जाता है। तो ये इसका यूज़ था प्लेटफॉर्म को कवर करने के लिए। उसके बाद इसके स्टैंडर्ड कौन सा रहता है जो इसमें स्पेसिफिकेशन दिया जाता है कि ये जो बोर्ड है आप ये स्टैंडर्ड का यूज़ करो या ये कोड का होना चाहिए, तो इसमें तीन टाइप के जो स्टैंडर्ड हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं आईएसओ स्टैंडर्ड जो इंडियन स्टैंडर्ड 3696, दूसरा है बीएस 12811 और तीसरा है ओशा का जो सब पार्ट एल है 29CFR सब पार्ट एल। तो उसके हिसाब से या एज पर ये जो स्पेसिफिकेशन है इसी हिसाब से हम लोग को कोड मिलता है उसके अंदर में। तो ये जो है स्टैंडर्ड क्या बताया, IS 3696, BS 12811 या ओशा का जो 29CFR सब पार्ट एल 1926 सब पार्ट एल। तो इसी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से हम लोग को ये मिलता है जो स्टैंडर्ड है। उसके बाद जो इसका जो कोड रहता है, तो ये जो है कोड है उसमें दो टाइप के कोड आपको दिखाई देगा, आप अलग अलग जगह पे काम करते हैं लेकिन मैक्सिमम जगह पे दो टाइप का कोड दिखाई देता है। अगर इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से रहेगा तो IS 2750 आपको दिखाई देगा उसके ऊपर कोड, अगर BS के हिसाब से देखेंगे तो 2482 BS 2482 ये जो है इसका कोड है, यही कोड रहेगा जहाँ पर भी आप जो भी आप प्लैंक और जो स्कैफोल्डिंग का जो बोर्ड यूज़ करेंगे उसके ऊपर यही कोड होना चाहिए, तो ही हम लोगों को यूज़ करना है। उसके बाद मेड और मटेरियल, मतलब कौन सा मटेरियल से ये बना रहता है, तो इसमें अलग अलग मटेरियल यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले ये तो वुडन का बनाया जाता है, दूसरा है MS या स्टील का, MS माइल स्टील का भी बनाया जाता है, MS माइल स्टील, तीसरा जो है और माइल स्टील का बना के इसमें अपना जो गैल्वेनाइज का है कोटिंग किया जाता है, तो जो तीसरा है इसमें एल्यूमिनियम। ये तीन टाइप का मटेरियल का मोस्टली जो प्लैंक और जो बोर्ड है वो हम लोगों को स्कैफोल्डिंग इंडस्ट्री में यूज करने के लिए अलाउड है। तो इसका जो है अलग अलग डायमेंशन का रहता है, अलग अलग लेंथ का रहता है। तो अभी हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ बोर्ड, ये जो मटेरियल हमने देखा अभी हम देखेंगे टाइप ऑफ बोर्ड और डायमेंशन। तो एक है जैसे कि हमने वुडन का जो मटेरियल बोला तो एक आता है वुडन बोर्ड, ये जो एक है वुडन बोर्ड, ये जो वुडन बोर्ड जो रहता है उसका जो लेंथ रहता है वो 0. अभी हम लोग लेंथ देखेंगे 0.5 मीटर से 6 मीटर तक रहता है। तो आप कौन सा भी 0.5 मीटर से 6 मीटर तक हम लोग कोई भी बोर्ड है वो यूज कर सकते हैं। इसका जो विड्थ रहता है वो जो है 225 mm होता है, और इसका जो हाइट रहता है मतलब जैसे इसका जो थिकनेस बोलेंगे वो जो थिकनेस रहता है वो 38 mm
एज पर साइज रहता है। तो इसमें क्या है, जो ये जो थिकनेस है या जो इसका जो हाइट है ये अलग अलग रहता है। एक तो ये 38 mm का आता है, दूसरा 50 mm का आता है और तीसरा जो आता है वो 63 mm का। ये तीन टाइप के वुडन बोर्ड आते हैं मार्केट में। तो हम लोगों को जो जॉब रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी ज़रूरत है वो हम लोगों को यूज़ करना है या उसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं। ये हो गया वुडन बोर्ड के लिए। दूसरा जो इसमें है स्टील बोर्ड रहता है, तो जो ये स्टील बोर्ड है उसका जो लेंथ रहता है वो 0.5 मीटर से 4 मीटर तक रहता है। मैंने क्योंकि मैं इतना साल से मैं भी काम कर रहा हूँ तो मैंने 4 मीटर तक ही देखा है और हम लोग स्टैंडर्ड के हिसाब से भी मोस्टली 4 मीटर तक ही आता है, क्योंकि इसमें 6 मीटर नहीं आता है क्योंकि वेट ज़्यादा हो जाएगा तो इसको हम लोग कटिंग ये सब करके नहीं यूज़ होता है। ये जो मैन्युफैक्चरर है मोस्टली 4 मीटर तक हम लोग ऑर्डर या जो भी कंपनी है ऑर्डर देती है। इसका जो विड्थ रहता है वो जो है सेम रहेगा इसका जितना रहता है 225 mm, और इसका जो थिकनेस रहता है जो प्लेट का वो रहता है 1.1 mm से लेके 2.0 mm, और इसका जो हाइट रहता है हाइट जो है वो 38 mm कॉन्स्टेंटली रहता है। तो ये है इसके बारे में। दूसरा कौन सा हम लोगों ने देखा, जो स्टील बोर्ड है उसके बारे में। तो ध्यान रखना हम लोगों को, ये जो है लेंथ 0.5 मीटर से मतलब 500 mm से 4 मीटर तक आता है। इसका जो विड्थ है 225 mm का रहता है। इसका जो हाइट है 38 mm का ही मोस्टली ज़्यादातर यूज़ होता है, और जो थिकनेस है इसका जो प्लेट जो यूज़ किया जाता है उसको बनाने के लिए वो जो है 1.1 mm थिकनेस से लेके 2.0 mm थिकनेस तक हम लोग यूज़ करना है। ये जो स्पेसिफिकेशन दिया रहता है 3696 के हिसाब से या BS 1211 या OSHA के हिसाब से हम लोगों को यही इसका स्पेसिफिकेशन है। तो अभी जो तीसरा जो प्लैंक है वो है हमारा एल्यूमिनियम का, वो है एल्यूमिनियम बोर्ड। इसमें जो लास्ट सेक्शन अभी जो बचा है वो हम लोग देखते हैं आइडेंटिफिकेशन। तो जो आइडेंटिफिकेशन कोई भी बोर्ड रहेगा तो उसके ऊपर में ये सब हर जगह पे तो लिखा होना चाहिए। अगर हम लोग अगर कहीं पर भी कोई भी दूसरा आदमी भी देखता है जिसको मालूम नहीं है इस स्टैंडर्ड के बारे में, लेकिन वो बोर्ड देखने से तो उसको पता होना चाहिए कि ये बोर्ड एज पर स्टैंडर्ड बनाया है कि नहीं बनाया है, ये तो पता होना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन उसके ऊपर में कैसे लिखा रहता है उसके बारे में अभी हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो लिखा रहता है उसके ऊपर कोड। तो अभी जो कोड कौन सा है, हमारा जो ये कोड है IS 2750 या BS 2482, एक कोड लिखा रहेगा। उसके बाद है मैन्युफैक्चरर का नाम लिखा रहेगा जो कंपनी इसको बनाती है, जो कंपनी इसको बनाती है वो कंपनी का इसके आगे नाम लिखा रहेगा। उसके बाद है हमने पहले क्या देखा, कोड मैन्युफैक्चरर नेम, उसके बाद है इसका जो ग्रेड है वो आता है। अभी ये जो ग्रेड में है दो टाइप लिखा रहता है, आपको अगर आप कोई भी बोर्ड अगर उठा के देखेंगे तो दो टाइप लिखा रहेगा। एक के ऊपर M आपको दिखाई देगा लिखा हुआ, नहीं तो दूसरे के ऊपर में V लिखा होगा। तो ग्रेड में क्या होता है, इसका जो इंस्पेक्शन है मशीन से किया गया है टेस्टिंग या विजुअल किया गया है। यम मतलब मशीन से और वी मतलब विजुअल। इसका जो कोई भी बोर्ड रहता है उसका टेस्टिंग कैसे किया गया है उसके बारे में ये ग्रेड से हमको पता चलता है, अगर मशीन से है कि ये विजुअली भी चेक करके इंस्पेक्शन करके उसको अप्रूव किया जाता है। और उसके बाद लास्ट में है सपोर्ट, ग्रेड के बाद उसके आगे में सपोर्ट। सपोर्ट मतलब जो स्पैन है, जो ट्रांसोम टू ट्रांसोम जो डिस्टेंस देना है हम लोगों, क्योंकि ये जो बोर्ड है वो अगर 6 मीटर है या 4 मीटर है या 2 मीटर है या 3 मीटर है, किसी भी लेंथ का हो, तो हम लोगों को सपोर्ट कितना मीटर पे देना है वो भी इसके आगे में लिखा रहता है। अगर कोई भी एक अभी हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, कोड अगर हमने लिया 2482, उसके बाद मैन्युफैक्चरर नेम किसी भी कंपनी का ले लेंगे तो XYZ लिया,
क्योंकि मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले सकता, क्योंकि किसी कंपनी को मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, किसी कंपनी का एडवर्टाइजिंग नहीं, इसके लिए एक्स वाई जेड हम लोग नाम लिखते हैं। तो ये जो ग्रेड है वो यम होगा या वी होगा, अगर मशीन से चेक किया होगा तो यम लिखा होगा, अगर विजुअल होगा तो वी लिखा होगा, और जो सपोर्ट है तो इसमें लिखते हैं स्पैन, जैसे कि 1.2 मीटर नॉर्मली जो रहता है वो, क्योंकि ये जो स्पैन है अलग अलग बोर्ड के लिए अलग अलग रहता है, क्योंकि अगर हमने वुडन बोर्ड देखा तो उसमें हमारा जो इसका जो थिकनेस था 38 mm था, 50 mm था, 63, तो ये 1.2 है, ये मैक्सिमम जो हमारा 38 mm का जो प्लैंक रहता है उसके लिए 1.2 रहता है, या 1.5 या अगर उससे ज़्यादा थिकनेस का रहता है अगर बोर्ड या प्लैंक तो उससे ज़्यादा भी डिस्टेंस दिया जाता है, 1.5 मीटर तक उसमें दिया जाता है। तो ये स्पैन मतलब जो ट्रांसवर्म टू ट्रांसवर्म जो डिस्टेंस है, या पाइप टू पाइप जो डिस्टेंस है, या बोर्ड के नीचे जो सपोर्ट देने वाला है उसके लिए। तो ऐसे उसके ऊपर में पूरा कोड लिखा हुआ आपको मिलेगा, कोड प्लस मैन्युफैक्चरर नेम, ग्रेड और सपोर्ट। तो ये है आज का टॉपिक, फिर से एक बार रिविजन करते हैं इसको। टॉपिक है स्कैफोल्ड बोर्ड और प्लैंक, क्योंकि स्कैफोल्ड बोर्ड भी बोलते हैं और इसको प्लैंक भी बहुत सारा कंपनी में बोला जाता है, या जाली भी बोलते हैं, लेकिन जाली ये टेक्निकल नेम नहीं है, यूज है हम लोगों को जो प्लेटफॉर्म है उसको कवर करने के लिए यूज किया जाता है, या टोगार्ड के लिए भी बहुत सारा कंपनी यूज करती है। हाँ, तो उसके बाद इसका जो स्टैंडर्ड है IS 3696, BS 12811, या जो ओशा का 29 CFR कोड फेडरल रजिस्ट्रेशन 1926 सब पार्ट यल के अंदर में ए सेक्शन है, उसके अंदर में इसका डिटेल दिया हुआ है। उसके बाद कोड है IS 2750, अगर इंडियन स्टैंडर्ड अगर इंडिया में है तो बहुत सारा कंपनी जो इंडिया में जो वहाँ का जो लोकल कंपनी है या इंडिया का जो कंपनी है वो 2750 का यूज करने के लिए बोलते हैं, या BS 2482 ये भी चलेगा, और ये भी, ये दोनों में से कोई भी एक कोड होना है। उसके बाद जो उसको कौन सा मटेरियल से बनाया जाता है, या कौन सा मेटल से बनाया जाता है, एक तो ये वुडन का, एक लकड़ी का बनाया जाता है, दूसरा है MS का माइल्ड स्टील मतलब स्टील का बनाया जाता है, और तीसरा है एल्यूमिनियम का। ये तीन जो तीन है टाइप के है, यही तीन टाइप का मटेरियल यूज किया जाता है। उसके बाद है टाइप ऑफ बोर्ड एंड डायमेंशन, तो इसमें जो वुडन जो बोर्ड है उसमें हम लोगों ने देखा कि इसका जो लेंथ रहता है 0.5 से 6 मीटर तक रहेगा, उसका जो विड्थ रहेगा तो वो जो रहेगा 225, और इसका जो थिकनेस रहता है या हाइट बोल सकते हैं उसको, हाइट रहता है 38 mm, 50 mm और 63 mm, और ये LVL, इसके बारे में बताएं, LVL मतलब लिमिनेटेड वेनर लुम्बर करके आता है, मतलब जो छोटा छोटा जो प्लाई टाइप रहता है लकड़ी को कटिंग किया जाता है और उसको लेयर वाइज उसको फिक्स किया जाता है। उसके बाद है ये जो स्टील का जो बोर्ड रहता है, वो जो स्टील बोर्ड है नॉर्मली सेम साइज रहता है, इसका जो लेंथ रहता है 0.5 मीटर से 4 मीटर तक, उसके बाद इसमें जो विड्थ रहता है 225, और उसका जो प्लेट यूज किया जाता है 1.1 mm से लेके 2 mm थिकनेस का इसमें प्लेट यूज किया जाता है, और इसका जो हाइट रहता है वो 38 mm का रहता है। और इसके बाद ये जो एल्यूमिनियम जो बोर्ड है ये मोस्टली एल्यूमिनियम स्कैफोल्ड के लिए यूज किया जाता है। ये जो हो गया टाइप ऑफ बोर्ड एंड डायमेंशन, और इसके बाद आइडेंटिफिकेशन कोड प्लस मैन्युफैक्चरिंग नेम प्लस ग्रेड और सपोर्ट। कोड रहेगा जो भी हमारा यहाँ पे जो कोड है इसमें से दोनों में से कोई एक रहेगा, मैन्युफैक्चर नेम मतलब XYZ हमने लिया कंपनी का नेम। उसके बाद जो ग्रेड रहता है यम मतलब मशीन से इंस्पेक्शन किया हुआ, वी मतलब विजुअली इंस्पेक्शन किया हुआ, तो हमने जो एक एग्जांपल के लिए लिया यम का लिया मतलब मशीन से। और उसके बाद आगे जो रहता है उसमें सपोर्ट रहता है ऑप्शन, ये जो है सपोर्ट ऑप्शन रहता है, उसमें स्पैन मतलब ट्रांसवर्म टू ट्रांसवर्म या जो बोर्ड के नीचे जो सपोर्ट देना है तो कितना मीटर डिस्टेंस छोड़ के हम लोग को देना है, मतलब कोई भी एक नॉर्मल आदमी भी जिसको स्कैफोल्डिंग के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है वो भी अगर वो बोर्ड देखेगा तो वो समझ जाएगा। ऐसे इसी के लिए इसके ऊपर पूरा डिटेल लिखा रहता है, ऐसा कोई भी स्कैफोल्डिंग के कंपोनेंट के ऊपर लिखा ही रहता है। तो आज का जो टॉपिक था स्कैफोल्ड बोर्ड एंड प्लैंक, तो ये यहाँ पर हम लोगों ने ये इसका इन्फॉर्मेशन देखा है। तो आप सभी लोगों के लिए और भी इसमें बहुत सारा डिटेल बताना बाकी है, क्योंकि ट्रांसवर्म का स्पेसिंग ये हम लोग सिक्वेंसली जाएंगे, हमारा जो वीडियो है उसको आप लोग देखते रहिए, आपको नया नया जो अपडेट है या जो स्टैंडर्ड है उसके बारे में हम लोग आपको बताया जाएगा, मैं आपको बता दूंगा। तो सबको धन्यवाद मेरा, थैंक यू।